सो गाइस गरीना फ्री फायर गेम को आप मात्र 20 MB में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 710 MB का गेम को आप 20 MB में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी प्ले स्टोर से हम आपको डाउनलोड करके बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और आपको वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। और मैं आपको यहीं से शुरू करता हूँ बताना कि कैसे आपको 20 MB में मात्र 710 MB का डाउनलोड करना है गेम फ्री फायर को और आपका 1 GB से 1.5 GB तक नेट ईजिली बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से इस वीडियो को शुरू करेंगे और आपको हम बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्ले स्टोर में आ चुके हैं। अभी तक मैंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है फ्री फायर। ठीक है, जैसे ही आप फ्री फायर लिखकर सर्च करिएगा तो आपके सामने पता होगा कि इस तरह का आता है, आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो 710 MB का भी आप ये गेम देख सकते हैं, ये मात्र 710 MB का आपके सामने ये गेम है। ठीक है, और यहाँ पर 50 करोड़ प्लस डाउनलोडर्स है इसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा अबाउट गेम। ठीक है, अबाउट गेम पर आपको क्लिक करना है एक बार। जैसे ही आप अबाउट गेम पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ जैसे ही आप आइएगा तो आपके सामने वर्जन मिल रहा होगा। ठीक है, जो अभी फ्री फायर का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है प्ले स्टोर पर, यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्जन अभी चल रहा है 1.60.1। ठीक है, और ये अपडेट हुआ है 8 अप्रैल 2021 को। ठीक है, और यहाँ पर 710 MB यहाँ पर कितने डाउनलोडर्स हैं सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1.60 और लेटेस्ट वर्जन, यही वर्जन आपका रहेगा फ्री फायर का और मैं आपको 20 MB में उसे डाउनलोड करके दिखाने वाले हैं। जो आपका प्ले स्टोर पर आता है गेम वो भी वही रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको डाउनलोड करके और खेल करके दिखाने वाले भी हैं। तो चलिए हम फटाफट से इस वीडियो को शुरू करेंगे और हम चलते हैं आगे। और आपको आ जाना पड़ेगा गूगल या क्रोम में। ठीक है, तो हम आ चुके हैं क्रोम में। क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, जैसे आप अदर कुछ भी सर्च करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा फ्री फायर। ठीक है, फ्री फायर यहाँ पर लिख करके फ्री फायर लो MB, ठीक है, लो MB लिख करके आपको सिंपली सर्च करिएगा लो MB डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप ये लिख करके सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस इस तरह का ओपन होकर के आएगा। ठीक है, आपके सामने फर्स्ट वाला भी लिंक आएगा तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक नहीं करना है। आपको सेकंड वाला भी आता है, सेकंड वाले पर भी क्लिक नहीं करना है। आपको थर्ड वाला भी आता है, थर्ड वाला पर भी नहीं करना है। आपको क्लिक करना है इस वाले पर। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं dungeon.com पर, इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्जन चल रहा है अभी प्ले स्टोर पर। ठीक है, 1.60.1। ठीक है, और आपको यहाँ से ध्यान से देख लीजिए इस वेबसाइट का नाम जहाँ पर dungeon.com है और इसका लोगो भी देख लीजिए। आपको इसी पर क्लिक करना है, आप किसी गलत पर क्लिक नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि गरीना फ्री फायर न्यू बिगेनिंग। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको क्लिक करना है डाउनलोड पर। ठीक है, यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, आपको इस डाउनलोड वाले बटन पर सिंपली क्लिक एक बार कर देना है। तो हम इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 3,86,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। अब प्लस में इसका 4.1 का रेटिंग भी है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छा रेटिंग है यहाँ पर। और आपको नीचे की तरफ आना है डाउनलोड करने के लिए, इस गेम को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि जो प्ले स्टोर पर वर्जन चल रहा है अभी 1.60.1, वो भी यहाँ पर वर्जन चल रहा है। और मात्र इस गेम का साइज देख सकते हैं कितना है, मात्र और मात्र 40 MB का है मात्र, यानी कि 46 MB का, 46 MB का मात्र आपको यहाँ पर गेम मिल जाता है। और यहाँ पर 8 अप्रैल 2021 को ये अपडेट हुआ है, जैसा कि आपको प्ले स्टोर पर दिख रहा होगा सेम टू सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर डाउनलोड भी दिख रहा होगा। अब प्लस में इस गेम को लाइसेंस भी मिला हुआ है। ठीक है, अब आपको गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आइए थोड़ा सा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदर वर्जन, यहाँ पर आपको और भी कई सारे वर्जन मिल जाते हैं जो कि वर्जन प्ले स्टोर पर आ करके जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि ओल्ड वर्जन भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 1.60.1 यहाँ पर मिल रहा होगा, 1.60.1 यहाँ पर जो वर्जन अभी चल रहा है प्ले स्टोर पर लेटेस्ट वो है। यहाँ पर आपका ओल्ड वाला भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका उससे भी ओल्ड वाला यहाँ पर आपको दिखता होगा। ठीक है, यहाँ पर 1.57.0 यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपको, आप चाहते हैं कि हम ओल्ड वाला वर्जन को डाउनलोड करें तो आप ओल्ड वाले वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगा कि आप अदर वर्जन
का कोई डाउनलोड ना करें, आप सिर्फ न्यू वर्जन का डाउनलोड करें यहाँ से, ठीक है 1.60.1। ठीक हो, आपको इसमें जो डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, जो अभी प्ले स्टोर पर चल रहा है लेटेस्ट, इस पर क्लिक करते हैं 1.60.1 पर। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस इस तरह का आएगा। तो आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा और नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा, आपको इस वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप वर्जन भी देख लीजिए, यहाँ पर वही वर्जन है जो प्ले स्टोर पर अभी अवेलेबल है। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, फर्स्ट वाले पर। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने डाउनलोड का एक बटन ओपन होकर के नीचे से आया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिंक आया है, आपको कैंसिल या ओके पूछता है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ग्रीना फायर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके लिए डिवाइस का सिक्योर है या हार्म है, ठीक है, आप कैंसिल या ओके। तो आपको ओके पर क्लिक करना है, ये बिल्कुल ट्रस्टेड है और यहाँ पर आप विश्वास कीजिए, बिल्कुल आप जैसे प्ले स्टोर पर खेलते हैं उसी तरह आप खेल सकते हैं। मात्र इसमें एक अंतर है कि आप यहां से डाउनलोड करते हैं वो ज्यादा एमबी का है, बस ये कम एमबी का, इतना ही अंतर है, बस सारा कुछ फंक्शन सेम रहेंगे। ठीक है, आपको ओके पर क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए। देख सकते हैं कि हमारा यहां पर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ठीक है, हम यहां पर डाउनलोड कर लेते हैं इसे, आप इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद होगा आपको वीडियो समझ में आएगा, वीडियो समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, अगर हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गेमिंग से रिलेटेड हम आपके लिए इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।